cards. Y'all know to play of swords. Sometimes I'm who you are. But take it, Chaladore. Go talk to her. Come on, go talk to her. Hey, beautiful. Should we go for a coffee? What do you say? Just shut your mouth and get lost. You don't like coffee? Tell me. Just buzz off, okay? Oh, okay, no problem. इसीलिए मैंने कहा था, she is mine. Go, 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 go. Such a dangerous babe. I love you more. Give me more. डॉक्टर ने क्या कहा माँ? कुछ नया नहीं, वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर पर कंट्रोल करना होगा, और क्या। आप कभी साफ साफ नहीं बताती। ये डॉक्टर मुझे दवाई देना बंद कब करेंगे, जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। माँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती। आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं? वो नालायक है, उसे नहीं पता जिंदगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है। मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। आप देख लीजिएगा माँ, एक दिन जरूर होगी। इसी बात का तो डर है, कहीं उसके जाने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं, तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। माँ, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ, मैं चैन से मर पाऊंगी। मुझे उससे बात करनी होगी, जल्दी ही करनी होगी। सर, तुषार सर, वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। तो क्या करें सर? यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। ठीक है, तुम उस रास्ते से भागो। साथ में जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है बॉस। जैसे ही तुम उस रास्ते से भागोगे, मैं दूसरे रास्ते से भागूंगा। ओह, फिर ये मेरा पीछा करेगा। डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी, सुपर बॉस। पर आपका क्या होगा बॉस? किशोर, बॉस तुम भी जवान हो, तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य है। तुमने अभी तक अपनी गन तक नहीं चलाई। गन तो मेरे पास है भी नहीं। ओह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस। लेकिन बॉस, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। किशोर, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्लीज वेट बॉस, बॉस रेडी। 1, 2, 3। बॉस, आप वहां क्यों खड़े? इस रास्ते से भागिए ना। ओह, तुम अभी तक प्लान समझ नहीं पाए। ओह नहीं नहीं नहीं, हे, डोंट कम प्लीज, डोंट कम, बचाओ, हेल्प प्लीज, भगवान बचाओ मुझे, हेल्प। नहीं, कहां फंस गया मैं? इन्हें मेरी सेफ्टी की जरा भी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं इनका पिए हूँ, पर हमेशा इनके झांसे में आ ही जाता हूँ। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन मामूली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि सुगंध को महसूस करना इनका जुनून है। इनके घर में लैब है, मेरा मतलब परफ्यूम लैब। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस है। बूची ग्लूम, रोबो बकानो, सेल्विन क्लीन जैसे बेहतरीन ब्रांड्स को मेरे बॉस ने ही बनाया है। मुझे केले की जरूरत है। सॉरी बॉस, जो आखिरी बचा था वो तो मैंने खा लिया। शायद किचन में। कोई चांस नहीं है बॉस, पूरे घर में तो क्या, लैब में भी एक भी केला नहीं बचा। बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबत बन गया है। इनकी सूंघने की शक्ति भालू से भी तेज है। वेरी पावरफुल नोज। उस डस्टबिन से खुशबू आ रही है। इसमें सड़े हुए केले हैं बॉस। ओह, क्या हुआ बॉस? एक चीज तो भूल ही गए। क्या चीज? वो मास्क देना। ओ, हाँ, अभी देता हूं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बॉस? बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी-कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। फैंटास्टिक! ये खुशबू के प्रेमी हैं और हमेशा गंदी बदबू से दूर भागते हैं। बॉस, 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 क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? अरे, आसपास कोई मछली पका रहा है। बॉस, यार कई किलोमीटर तक इंसान तो क्या घर भी नहीं है। शायद ये बदबू किसी दूसरे शहर से आ रही है। अब आप दूसरे शहर की बदबू भी सूंघने लगे बॉस। मैं कुछ लेकर आता हूं। हां, मास्क लेकर आता हूं। मेरे बॉस की एक और खासियत है, इन्हें सब कुछ वेल मैनेज चाहिए। घर में फर्नीचर से लेकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए उनकी अपनी अपनी जगह पर। खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है। अगर प्लेट में जरा सी भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है, इसीलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पोजेबल प्लेट और कप का इस्तेमाल करते हैं। इनकी लाइफ में हर चीज यूज एंड थ्रो है। वैसे तो मेरे बॉस एक नंबर के सनकी है, पर इनका दिल बहुत अच्छा है। बॉस की कहानी से पहले आपको इनके दादाजी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, तो चलिए फ्लैशबैक में। 1928 में एक अंग्रेज भारत से कुछ मजदूर ब्रिटिश ले गए ताकि वो वहाँ पर एक बेकार सा पुल बना सके। उन्हीं में से एक थे मेरे बॉस के दादाजी। आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई। वैसे वो कैप्टन बहुत ही बदमाश। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के लोगों से घुल मिल गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। वैसे मेल जोल करना एक कला है सर।
ये कला हर किसी के पास नहीं होती है सर, किसी के पास। जरा उधर देख सर, वो दिखने में इंडियन लग रही है ना। हाँ सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर। वन लार्ज प्लीज, इन दिस प्लीज, एंड नो टैप वाटर प्लीज। गुची ब्लूम, इंडियन। या ये परफ्यूम मैंने बनाया है। इस परफ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओह रियली? तुम समझदार हो और क्रिएटिव भी हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं देख पाते। लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करती, तुम्हें उनकी सलाह की जरूरत नहीं। करेक्ट बोल रहा हूं? हर सैटरडे मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। One second. Why? Chances only be needed. हेलो सर। हेलो किशोर। सर बोलो। किशोर यहाँ मैच शुरू होने वाला है, हेलमेट चाहिए। सर हाउ स्वीट ऑफ यू सर, आपने फोन करके मुझे याद दिलाया। मैं कल मैच की हाइलाइट देख लूंगा। गुड नाइट सर। हे हे, कॉन्डम चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं उनका पीए हूँ या कुछ और हूँ? इस वक्त उनके पेट में पंच भी नहीं मार सकता हूं। भगवान, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? अरे भगवान, गॉड प्लीज हेल्प मी। अरे हो गया, अब तो जा। सर आई गॉट इट सर, आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं। सब हिल रहा है, ये क्या हो रहा है? नो 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 सर सर सर, ओपन द डोर सर। क्या है? आप बिना हेलमेट के ही शुरू हो गए सर, इसे यूज कीजिए वरना दुर्घटना घट जाएगी सर।
मैम एक मिनट रुक सकती हैं आप? डैम सर वो मैं उसके पास एक था, अब डिस्टर्ब मत करना जा। इन्हें डिस्टर्ब मत करना, बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, आधी रात को तुम्हारे लिए परेशान हूँ। ओके 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 नो 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 इट वॉज देयर। सो आई रियली हैड अ गुड टाइम। ओह या मैं तुमसे पूछने वाली थी ये टैटू। एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था, प्यार वो तो मैंने बस इसी से किया है। Hot and emotional. I like that. You're the best I've ever had. क्या हम दोबारा मिलेंगे? मैं समझ गई, शायद नहीं। I think it's best this way. Hey, किशोर, एक काम कर, उसे घर छोड़ दे, बहुत देर हो चुकी है। मैं जाऊं सर उसे छोड़ने के लिए? हाँ जाना यार। ठीक है, दो दिन के बाद आऊंगा। मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है, छोटी सी कहानी। उनकी लाइफ के बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है उनका फर्स्ट क्रश रोमा, नहीं 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 पूमा, शिशिशी सुमा। भैया हाँ? मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ? यस। तुम क्या करती हो भूमा? भूमा नहीं, सुमा। आ चलो जो भी हो, करती क्या हो तुम? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, न्यूरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है। तुम एक सर्जन हो, तो फिर क्या तुम मेरे भाई का ख्याल नहीं रख पाओगी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? उमा तुम्हें कपड़े धोने तो आते हैं ना? उमा नहीं सुमा। ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कपड़े धोना, और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है। हाँ मतलब तो क्या तुम हमारे सैम का इस्तेमाल कर रही हो? सुमा सुमा प्लीज मत जाओ, रुको 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 मत जाओ प्लीज सुमा। एस यू एम ए सुमा, उमा नहीं उपमा नहीं, मैं उनसे नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है भूमा। सुमा सुमा तुमने वहाँ कुछ क्यों नहीं कहा? मेरी तरफदारी क्यों? तुम बस उन्हीं की तरफ थे। ऐसा करो उन्हीं के पास जाओ क्योंकि हमारे बीच सब खत्म हो गया। दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी। नहीं, ऐसा मत करो सुमा सुमा। तुम लोग इंसान हो या राक्षस, वो इतनी अच्छी लड़की है और तुमने उसके साथ ऐसा किया। तू चुप हो जा, जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उससे शादी कौन करेगा? तू चुप कर संगीता, मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस मेरा जीवन साथी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है औरतें सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती हैं? औरत ही औरत की दुश्मन है ना कि आदमी। तो क्या तुम्हें लगता है हमारे पास और कोई रास्ता है? क्या तुमने कभी खाना बनाया है? क्या कभी साफ सफाई की है? हुँ?
क्या कभी कपड़े धोए? जिससे तू शादी करेगा उसे ये आना चाहिए ना, वरना तुम्हारा घर कूड़े का ढेर हो जाएगा। ऐसे उपदेश देना बंद करो। मैं किसी को रख लूँगा। पोर्चुगल में ये इतना आसान नहीं है। यहाँ कोई काम से खाली नहीं रहता। तो मैं खुद करूँगा, मैं खुद करना सीख लूँगा। बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भैया श्वेता, तुझे इन राक्षसों के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तू मेरे साथ आ जा। ए, खाना तो खा ले। तू खा। तो ये है मेरे बॉस की फैमिली। ये है स्वर्णा द बैट कॉप, ये हर चीजों में टांग अड़ाती है। ये है संगीता द गुड कॉप, प्यार के मामले में बिल्कुल मुंहफट, लेकिन ये दोनों ही जालिम हैं। और ये है श्वेता मेरे बॉस की लाडली। बॉस के दादाजी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है जो बॉस के पापा का है, सदाशिव जी। वो तब चल बसे जब मेरे बॉस 12 साल के थे, और तब से मेरे बॉस के माँ पापा हेड ऑफ द फैमिली सिर्फ एक है, उनकी माँ। ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, कभी बैड कॉप बन जाती है और कभी गुड कॉप बन जाती है। सुमा, उस दिन मेरे बॉस बहुत ज्यादा दुखी थे, वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी। डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दिन बॉस ने अपने द ग्रेट टैलेंट को पहचाना और वो परफ्यूम बनाने लगे। सुमा, 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 सुमा। पुत्रा, give me a large one please. Hello Sam. और ये है मेरे बॉस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट। Hi, I'm Isabella. हाँ, रुकिए 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 रुकिए, मैं आपके लिए लैंग्वेज को बदल देता हूँ। हेलो सैम, तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम है इसाबेला, मैं श्रुति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल? मत सोचिए, इनका नाम सैम है, सैम। आई लव यू। ओह नो 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 नो, आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और उस रात मेरे बॉस को ये समझ में आ गया कि ये प्यार व्यार सब बकवास होता है और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन के बाद से मेरे बॉस की हर रात रंगीन होने लगी। Did you see her? She's damn hot, man. No, but... Yeah, let's call her. She's coming here only. Definitely. Yeah, see? Hey, Avantika. Hello. I'll just come, okay? Wow, she's gorgeous. Oh, really? Look at her. No, no, she's not bad. She has a nice body. Come on, man. You can do it. Go talk to her. Seriously? Come on. Yeah. Excuse me. An innocent Indian girl coming to your country, working here and there, and putting red hair, and you guys are commenting bloody rocks? Hey, what are you doing? Why don't you mind your business? Just go home. Okay. Listen, shut up. If you're abusing, abuse in Hindi. At least I can understand. You want me? Are you leaving or you want me to see you? Please take your seat. Please take your seat. Hey, tell me when the order is ready, okay? Hey, those guys are talking about you. Come on, you can do it. Come on.
Go, talk, go to talk to her. What are you thinking? You're beautiful. You are a very handsome boy. What are you doing, man? Give him more. Come on, more. Yeah, my knee. Okay. Hey, did you look at him? Look at him. Hey, we've got him, bro. Hey. Did you see that? But she's his. Man. His, understood? Yeah. Go find someone else for yourself. But take it, chala dure. Go talk to her. Come on, go talk to her. Hey, beautiful, should we go for a coffee? What do you say? Just shut your mouth and get lost. You don't like coffee? Tell me. Just buzz off, okay? Okay, no problem. इसीलिए मैंने कहा था, she is mine. Go. Such a dangerous babe. I love you more. Give me more. डॉक्टर ने क्या कहा माँ? कुछ नया नहीं, वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर पर कंट्रोल करना होगा, और क्या। आप कभी साफ साफ नहीं बताती। ये डॉक्टर मुझे दवाई देना बंद कब करेंगे, जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। माँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती। आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं? वो नालायक है, उसे नहीं पता जिंदगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है। मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आप देख लीजिए कमा, एक दिन जरूर होगी। इसी बात का तो डर है, कहीं उसके जाने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं, तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। माँ, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ, मैं चैन से मर पाऊंगी। मुझे उससे बात करनी होगी, जल्दी ही करनी होगी। किशोर सर, जरा जल्दी आ, नहीं तो देर हो जाएगी। आ रहा हूँ सर। हे, जल्दी करना यार, लेट हो रहा है। माँ, हर संडे हम लौकी क्यों खाते हैं? मेरा मतलब, हम कुछ नया बना सकते हैं ना? मैं बना दूंगा करी, आलू का भरता। मैं शादी से पहले इंडिया में खाना बनाया करता था माँ। ऐसी बात नहीं है, सदा शिवाराव को लौकी बहुत पसंद थी, इसलिए हर संडे को खाने में मैं लौकी बनाया करती हूँ, ये परंपरा है। पर अब तो वो यहाँ है ही नहीं ना। क्या मतलब? जब तक सदा शिवराव वास्तव में नहीं मर जाते, ये परंपरा इसी तरह चलती रहेगी। तुम क्या जरा इन्हें वहां रख दोगे? क्या तुमने लौकी बना ली? ये वास्तव में मरना क्या होता है? चलो अंदर जाओ। हेलो मैम। चलो अंदर। मैम सर, ये आपके लिए आइसक्रीम लाए थे। क्यों रे, तो इस भुक्कड़ को हर संडे यहाँ क्यों लेकर आता है? क्या तुझे नहीं पता ये फैमिली लंच है? हाँ, मैं भी सर से यही कह रहा था, सॉरी मैं चलता हूँ। किशोर रुक, किशोर यहीं रहेगा। और सुन ले, मैं इसको हर संडे लाऊंगा, कोई प्रॉब्लम है? तेरा पति भी तो यहीं रहता है। क्या मतलब, तुम दोनों उसे क्या समझते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तेरे साथ तेरे घर पर ही रहता है और तू हर संडे इसे यहाँ लेकर आता है, आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तुझे क्या लगता है? ये क्या बोल रहे हो? बहुत सही बात बोलो ना। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस पॉइंटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस, यू आर ड्रॉइंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन वेयर ऑनेस्टली देयर इज नो रियलिटी, बट प्लीज बिलीव मी मैडम, व्हेन आई से द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस इज प्योरली प्रोफेशनल, द इमोशनल लिंक्स टुवर्ड्स ईच अदर इज फ्रेंडली नेचर, इन फैक्ट ब्रदरली, इट माइट बी जस्ट ह्यूमर्स इन अदर्स माइंड, बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर माय पेरेंट्स हु इज लुकिंग फॉर अ मैच फॉर मी ऑन इंडियन मैट्रिमोनियल साइट्स, सो व्हेन आई से आई बेग यू, आई मीन फ्रॉम माय हार्ट, प्लीज मैम, आई बेग यू, प्लीज मैम। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, स्कूल में भी नहीं आती थी। ब्लडी साइकोपैथ फैमिली। किशोर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर। सॉल्ट चाहिए तुम्हें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तो ये दे रहा हूं। अच्छा तुमने सॉल्ट बोला, इनकी बातें मेरी समझ में कभी नहीं आई। नहीं मुझे नहीं चाहिए सर। संगीता सैलेड दे रहा। मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। देखो, एक माँ होने के नाते मेरे कुछ फर्ज हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और बेटा होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम मेरी बात मानो। तुम कब तक ऐसे अकेले रहना चाहते हो बेटा? तुम्हें आने वाले दिनों में जल्दी ही शादी करनी होगी। आपको शादी करनी होगी सर? इस उम्र में मुरझाए पौधे को पानी देना बेकार है सर। कोई फायदा नहीं। <laughs>
आप शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती माँ, बल्कि किसी भी माँ बाप को दबाव नहीं डालना चाहिए। आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन्म दूं या नहीं दूं? मुझे बड़ा करना ही एक माँ होने के नाते आपका फर्ज। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे जब से पैदा हुए हैं तब से स्कूल कॉलेज शादी नौकरी और बच्चे, उसके बाद हमारे बच्चों का भी यही होगा, स्कूल कॉलेज शादी नौकरी और बच्चे। यस सर, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता और ना ही कभी करूंगा। मेरी जिंदगी अब मेरी जिम्मेदारी है। ओह, खुद की जिंदगी क्या संभालेगा, बाल तक तो नहीं बना पाता। और तुझे याद है तू ये कहकर गया था कि तू किसी भी तरह अपना ख्याल खुद ही रखना सीख लेगा और तुझे हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, तेरी जगह साफ सफाई करने के लिए हमें हफ्ते में 3 बार वहाँ जाना पड़ता था और तुझे तो वॉशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है। जब से तू पैदा हुआ है ना, तेरी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही तो है। काफी उम्र हो गई है, तेरी शादी अब तक नहीं हुई। कोई बात नहीं बहन, आपसे अपने काम मैं खुद करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं शादी नहीं करूंगा। ये तो पिछले 20 सालों से कह रहा है तुझे हमारी मदद भी नहीं चाहिए, इसलिए ये सब झेल रहा है। और हमने हार मान ली क्योंकि तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परेशानी आखिर झेलेगा कैसे, इसलिए कहते हैं शादी कर ले। लेकिन अब नहीं होगा। हाँ, आपको शादी करनी होगी बस। हाँ? तू भी? क्यों नहीं भैया, मैं भी आपकी शादी देखना चाहती हूँ। आपके बच्चों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्या? बस करो, इसे अपने घर की परंपरा के हिसाब से करते हैं। वोटिंग होगी। अब यही बाकी रह गया था। पोर्तुगीज है क्या? हिंदी है। कौन सी जगह? अब सैम की 3 महीने के अंदर शादी होकर ही रहेगी। जो नहीं चाहता हाथ ऊपर करे। जो चाहता है शादी हो वो हाथ ऊपर करे। हो गया फैसला, अब अगले 3 महीने में सैम की शादी हो जानी चाहिए। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अब ये तो हिंदी था, नहीं तो क्या पोर्चुगीज? जीसस। खाना नहीं छोड़ना चाहिए सर। ओके, कमिंग कमिंग। माँ वो तो चला गया, आप क्या करेंगे? उसने तो बात भी नहीं सुनी हमारी। चिंता मत करो, मैं जानती हूँ उसे कैसे समझाना है, मैं सब कर लूंगी। हाय, एक्सक्यूज मी, आई एम हियर टू सी माय नेफ्यू सिद्धार्थ। ही इज इन देयर। ओके, थैंक यू सो मच। सिद्धू, तुम ठीक हो? मुझे अपने साथ कब लेकर जाओगे? जल्दी ले जाऊंगी। हेलो जननी। Hey Avantika, are you busy? No. Come in. मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ, अप्रूव हो गई क्या? सिद्धू की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है। तुम बुरा मत मानना लेकिन शायद अप्रूव भी नहीं होगी। तुम अकेली रहती हो, तुम्हें स्मोकिंग की हैबिट है, स्टडी जॉब भी नहीं है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी नहीं है। मैंने बताया था ना, मैं अपनी पोएम्स पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर नहीं हुई तो? वो मेरी बहन का बेटा है, मेरा उस पर तो हक है ना, उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है? अवंतिका, ये इंडिया नहीं है, यहाँ माँ बाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और तुम्हें अप्रूवल लेना ही होगा, भले ही उससे खून का रिश्ता क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। अडॉप्ट तो मैं करके रहूंगी, तुम्हारी मदद के बिना ही सही। बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जल्दी हो जाएगा। क्या ये तुम हो? हाय, इट्स मी लतिका। कल रात हमने फेसबुक पर चैटिंग की थी। मेरा फेसबुक पर अकाउंट नहीं है, ये चैट करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कोई और होगा मेरी फैमिली से। नो, वो आप ही थे। आपने कहा था कि 3 महीने में आपकी शादी होने वाली है, फिर मैंने आपको ब्लशिंग वाला इमोजी भेजा था, आपको याद नहीं? लतिका, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं हनीमून पर जा सकता हूँ, तुम चाहो तो। ये क्या कह रहे हो? जो तुमने सुना। गो टू हेल। कोई बात नहीं। बाय। देखो इसको, बदतमीज। इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया, इसे तो मैं अभी। अरे दीदी क्या कर रही हो? चलो सच कह रही। मेरी बॉस की बहनें ऐसे मानने वाली नहीं थी, कैसेंड्रा की सारी इंडियन लड़कियां उन्होंने बॉस के पास भेज दी। उन्नीस बी
21 लड़कियां भेजी थी इसके पास, सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने। हम तुझसे तंग आ चुके हैं, पता नहीं तू कब सर, आप बोलो तो हम निकले। टाइप की लड़की चाहिए यार, तुझे जब तक इसकी ये बड़बड़ खत्म नहीं होगी कैसे निकले। सुनता है कि नहीं, मैं लेकिन मैंने क्या किया कह रही हूँ। अब पेन से क्यों मारना, अब आप ही बात करो इससे, पेन टूट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, अब मैंने क्या किया सर। चिंता मत कर ओके सर। माँ जी भी गई, उन्होंने गलत गिना। हाँ सर, 24 लड़कियां और एक औरत थी, 25 लड़कियां। लगता है मेरा स्वयंवर करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप इतने हैंडसम दिखते हो, लड़कियां आप पर मरती हैं। अब मतलब कि उनका पर्सपेक्टिव है और आपके पर्सपेक्टिव से तो इरिस्पेक्टिव हो जाएगा ना, इसीलिए पर्सपेक्टिव तो। सर माँ जी आ रही है, माँ ये क्या कर रही हो, माँ छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो, आप बैठो। तो मैं और क्या कर सकती हूँ, आप पहले बैठो। सर तू भी बैठ, आ बैठ जा, बैठ ना। हाँ लो बैठ गया। तू भी बैठ। तूने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्ज था, लेकिन तू मेरा बेटा है, मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है, तेरी बहनें कब तक रहेंगी। माँ मेरा यकीन करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। तेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। देख, हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए, यहाँ तक कि वो क्या कहते हैं आजकल तुम्हारी वर्जिन। तू अभी भी वर्जिन है बेटा। माँ जानती थी। माँ, जीवन में मन की शांति ही सबसे बढ़कर है। और तन की शांति का क्या, बिना हेजिटेशन के अपनी खुद की माँ से इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोल लेते हो बॉस। इट टेक्स गट्स बॉस। क्या आपने मेरी किशोर, क्या हुआ किशोर, क्या हुआ? कुछ नहीं मौजी, वो क्या है कि चीटी ने काट लिया बहुत जोर से। कहाँ? Place is not important, pain is important। बेटा तू देख ना जरा, देख। किशोर दिखा ना। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ बेचारा, अब क्या करेगा ये। देख सैम, ये बस शादी ही नहीं, जिंदगी में इसके बहुत मायने हैं। तुम लोगों के साथ मैं बहुत खुश रहती हूं, लेकिन जब अकेले में जाती हूं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तेरे पापा को याद करके सैम, अकेलापन क्या होता है ये तुझे नहीं पता। अकेले रहना भले ही तुझे अच्छा लगता हो, लेकिन धीरे धीरे ये अकेलेपन में बदल जाता है। समझने की कोशिश कर, तू क्या करेगा जब मैं चली जाऊंगी, क्या ये सह पाएगा।
अगर तू मेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा तो मैं इसी बात के साथ मरूंगी कि तू अकेला है। माँ, माँ ऐसा मत बोलो माँ। माँ क्या हुआ बॉस? मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता है। उसे डर है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं और इसीलिए वो मेरी शादी करना चाहती है जबकि मैं नहीं करना चाहता। करेक्ट बॉस। हर आदमी जो डॉक्टर बनना चाहता है जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे। मैं माँ को खुश देखना चाहता हूं लेकिन शादी नहीं करना चाहता। उन्हें भी समझना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिंदगी बदल जाती है। नहीं 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 प्लीज मत आना वरना मैं खो जाऊंगी। प्लीज नहीं प्लीज डोंट। लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। I'm sorry. प्लीज मेरी बात सुनो ऐसा मत। हे गाड़ी रोक। बॉस गाड़ी रोक। क्यों बॉस? नहीं पापा प्लीज प्लीज मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। सॉरी। हे लड़की रुक जाओ। क्या कर रही हो? हे छोड़ो मुझे। पकड़ो पागल हो गया तू। उसे छोड़ो मारू क्या? हे शांत शांत। सॉरी I'm sorry. आप चाहते हैं कि मैं एक फेमस आर्किटेक्ट बनूं, इसलिए मुझे वो कोर्स ज्वाइन करवाया। लेकिन पहले सेमेस्टर में ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पास नहीं हो सकती पापा। I'm sorry पापा। मैंने सोचा आपको डिसअपॉइंट करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं नहीं ऐसी एक आर्किटेक्ट से बढ़कर मेरे लिए तुम हो। तुम मरने जा रही थी। तुम मेरी जान हो। I'm sorry पापा। देखो तुम्हारी माँ का फोन है। सुनो ये क्या कर रही थी तुम? इतनी जल्दी हार मान गई? क्या है रे? कौन है बेतू? मैं ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी कि आर्किटेक्ट कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं और तूने बैंड बजा दी। चल ओके ओके। चल चल थैंक यू। ओके एक्टिंग इसको एक्टिंग कोर्स की जरूरत नहीं है बॉस। अच्छी एक्टर बनेगी। पहले से ही एक्ट्रेस है। हेलो सर इसका ध्यान रखना कहीं फिर से ना कूद जाए। चलो चलते हैं सर। किशोर। हाँ बॉस। उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया। क्या बॉस? कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। चल चलते हैं। ठीक है चलते हैं। लेकिन कसांड्रा नहीं जाएंगे। मैं यहाँ की लड़की से नहीं मिलना चाहता। कहीं दूर ले चल। कहीं दूर? बॉस मुझे एक जगह पता है
वहाँ लेकर चलता हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी बॉस। हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी और मेरी फैमिली को इम्प्रेस करेगी। मैं वहाँ की एक वेटरेस को जानता हूँ सर, बहुत सुंदर है वो। फिर तो मेरी फैमिली शादी का मुहूर्त फिक्स करके ही मानेगी। मैं वहाँ महीने में 3 बार जाता हूँ सिर्फ उसे जी भर के निहारने के लिए सर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप उसे पटा ही लोगे। शादी के कुछ दिनों पहले? नहीं, शादी के ही दिन। समझ गया। पहले से सेट होगा, वो लड़की एक लेटर लिखेगी कि मुझे ही शादी नहीं करनी और फिर वो गायब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, अब मेरी उससे शादी करवा दो। और उसके गायब होने के बाद मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटक करूँगा कि मेरी फैमिली दोबारा शादी करने के लिए नहीं कहेगी। मुझे आपका स्टाइल पसंद आया, अगर आप मुझे बूस्ट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आज ही मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूंगा। अद्भुत, प्रशंसनीय, यहाँ तक कि महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कभी इतना जबरदस्त नहीं सोचा। यस सर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया है सर। मैं भी अब सिंगम बनना चाहता हूँ सर। ध्यान दे। हाँ सर, हाँ सर। ओह माय गॉड, सर पहले ही काम पर लग गए। वन एस्प्रेसो डिस्पोजेबल ग्लास में। नो कॉफी, शुड आई गेट यू समथिंग एल्स? हाँ। ए किशोर। बॉस। ए किशोर, मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे कॉफी चाहिए थी। यू वांना सिट? नो, आई विल सिट। ओके। आपके फ्रेंड तो यहाँ पर अक्सर आते हैं। आपको तो पता है ना, यहाँ कॉफी नहीं मिलती। तुम इंडियन हो क्या? ए किशोर, तुम इंडियन हो? तो प्रॉब्लम क्या है? इंडियन लड़की फर्स्ट टाइम देखी है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अवंतिका। अवंतिका, बहुत ही प्यारा नाम है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूँ? प्रस्ताव? प्रपोजल? हाँ, रखो 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 सर, रखो रखो सर, रखो रखो सर। जो मांगोगी वो मिलेगा, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मेरी प्रेमिका बनना हो। एक्सक्यूज मी? मुझे गलत मत समझो, मैं उस तरह का नहीं हूं। बताना किशोर। यस मैम, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। इनफैक्ट ही इज अ कोल्ड ब्लडेड वर्जिन। हम कहीं और चले, खुलकर बात करते हैं। बॉस, सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, 2 हफ्तों के लिए आपकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को इम्प्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा, ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, सही है। मैं घर में भी किसी बाहर वाले को नहीं आने देता, तो फिर अपनी लाइफ में किसी और को कैसे आने दे सकता हूँ? Impossible. Never fallen in love? I don't fall in love. I only make love. अगर किसी को भूख लगे तो जरूरी नहीं कि वो खाना बनाए। पर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने काम की बात करो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। By the way, what do you think I am? A hooker? अगर हुकर चाहिए होती तो तुम्हारे पास नहीं आता। Okay. अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम ही बोल दो। 2 हफ्ते,
मतलब 14 दिन और रोज के 2 घंटे, सो 28 × 5,000 euros पर आवर, 140,000 euros. यूरोस पैट, क्या कहा? 1,35,00,000 रुपए? सर इतने पैसे मुझे दे दो, ऑपरेशन करवा के मैं लड़की बन जाऊंगा. आई विल पुट सम रेड हेयर आल्सो फॉर यू. पूरे 15,000 यूरो दूंगा. अगर ठीक लगे तो बता देना, नहीं तो किशोर तुम्हें घर छोड़ देगा. 30,000 यूरोस मंजूर नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी. किशोर की जरूरत नहीं है मुझे. 20,000. 25 फाइनल. ड्रॉप कर दूं मैं? मैं ये कर देती हूँ. लाओ, पता नहीं इमली कहाँ रखी है. एक अच्छी खबर सुनानी है. 2 साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ. तूने अब तक ये बताया क्यों नहीं? अब जरूर इसे बताया होगा. तूने क्यों नहीं बताया? क्या भैया, आपने मुझे भी नहीं बताया ना. मैं तुझे क्यों बताता? तू भी तो मेरे खिलाफ थी. मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया क्योंकि तुम शादी के लिए जिद करते और हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए था. लेकिन अब बता रहा हूँ. इसका मतलब ए, 2 साल तक बताया क्यों नहीं? लड़की है या फिर वो किशोरी है? चुप करना सोना. वो कैसी दिखती है भाई? वो इंजन तो है ना. बताओ ना, बताओ कैसी दिखती है. बताओ ना भैया, उसे क्या पसंद है? खाना तो बना लेती है. अवंतिका, अवंतिका यहाँ ना. यहाँ. हाय. जल्दी आओ, जल्दी आओ. What's up? ये लो, प्रपोजल. क्या बात है? आप इसके लिए सच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? You're really weird, you know that, right? Okay. This is to hereby place on record that I, Samba Shivarao. Wait a minute. Sam कहा था ना? आपका नाम Sam नहीं, Samba Shivarao है? जब मैं पैदा हुआ, तब Samba Shiva नाम बहुत चलन में था. अब इसे पढ़ो और साइन करो. Sorry. Okay. Samba Shivarao जी. Okay. एक मिनट. फर्स्ट मीटिंग में फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे नहीं देंगे? व्हाट नॉनसेंस. एहसान मानो कि मैं उनसे मिल रही हूँ. प्लान आपका है, आपने मुझे सिलेक्ट किया है. अगर ये प्लान फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है. आपकी फैमिली से मिलने से पहले मुझे 40% नॉन रिफंडेबल एडवांस चाहिए. 2 हफ्तों में प्लान काम करे या ना करे, मुझे बाकी के पैसे दे देना. ओके okay? ठीक, मैं पहले एडवांस दूंगा. अगर तुम रिजेक्ट हो गई तो बचा हुआ 60% मैं नहीं दूंगा. अगर ये शर्त मंजूर है तो बोल, नहीं तो हमारा ये सौदा कैंसिल. कैंसिल? बार्गेनिंग डिस्कशन नहीं हो पाएगी. क्या है कि ये थोड़े से ओल्ड इंडियन मैन है. 1928 बैच के हो? हाँ. ये 1928 बैच वालों की हिंदी तो बहुत प्यारी होती है ना. खाक प्यारी होती है. मुझे तो इन लोगों की हिंदी डरावनी लगती है. तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होंगे. मेरी फैमिली थोड़ी क्या बोलते हो, कंजर्वेटिव टाइप. क्यों, आप खाना खाने के लिए धोती पहनते हो? अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ. आपकी फैमिली को कैसे इंप्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी. ठीक, तुम्हारी मर्जी. एक मिनट. शी इज कॉलिंग. बाय सांबू. हे, एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं आ सकती, आपको बाहर वेट करना पड़ेगा. क्या देख रहे हो? वो मैं वो आप मैं. You like me, no? Very much. I like you. अगर ये डील सेट नहीं होगी तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी. सोचेंगी, सोचना जरूर, सोचना. आउट हाउस में वेट करना था, अंदर क्यों आ गई? अच्छी लग रही है. यो, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं. This is just me making sure your family likes me. बालों को कलर करके सही किया है. अच्छा है. I'm glad you liked it. इसका बिल मैं तुम्हें भेज दूंगी. मैं क्यों भरूंगा? फिर से लाल करवा लूं? ठीक है, भर दूंगा. ड्रेस कैसी है? क्या बोलते हो? क्लासी. ग्रेट, इसके भी पैसे आपको देने हैं. ओके.
सर डील कैंसिल हो गई ना। लेकिन क्यों? डील ओके है क्या? हाँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मुझे रफी साहब के गाने पसंद है। क्रिकेट में सचिन से ज्यादा मुझे द्रविड़ पसंद है। What? सचिन से ज्यादा द्रविड़ पसंद है? तुमसे तो मैं कभी शादी ना करूं। मुझे बीटल्स भी पसंद है। बीटल्स? Of course, आपके जमाने का फेमस बैंड है। अच्छा आप परफ्यूम बनाते हैं ना, फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है? अगर सच कहूं तो चंदन की, और अमेज़न में मिलने वाला वो एक। अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो बहुत रोमांटिकली बोला मेरी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, समझे? इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। अब आप मेरे बारे में जान लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वो कुछ पूछेंगे जो मन में आएगा बता दूंगा, तुम बस हाँ हाँ बोलते रहना, समझे? जो हुकुम मेरे आका। उसे सारे मसाले पता होने चाहिए बस। माँ बाकी दही दूध। सैम आओ बेटा आओ, आओ ना। आओ दिखा, ये मेरी। एक मिनट मैं बताती हूँ। आप संगीता जी हैं? आप फैमिली बिजनेस का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखती हैं? आप हैं संगीता जी के हस्बैंड, और आप हैं श्वेता, नहीं नहीं आप हैं स्वर्णा, और आप हैं स्वर्णा जी के हस्बैंड, एंड यू मस्ट बी सैम्स डार्लिंग सिस्टर श्वेता, और आप हैं श्वेता के हस्बैंड। इंट्रोडक्शन तो अच्छा था, पर ये सब कैसे जानती हो तुम? सांबा शिवा राव जी, आज की जनरेशन के पास फेसबुक नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट है ना, सच में मुझे नहीं लगा था सैम को ऐसी लड़की मिलेगी। अवंतिका, यहाँ आओ अवंतिका। माँ माँ क्या? That's your mother? Are you kidding me? I'm so sorry, auntie. I'm so sorry. आप इतनी young लग रही हो, मुझे लगा आप family friend हैं। I'm so sorry. कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। आंटी ऐसा नहीं है, बल्कि सैम आपका बड़ा भाई लगता है। ये पहली बार घर आई है, इसे साड़ी तो देनी ही पड़ेगी, है ना? ये मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फालतू ड्रामा करने की क्या जरूरत, बस भाई से शादी कर ले और कुछ नहीं। अच्छा है मैंने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने। तुम क्या करती हो बेटी? आंटी मैं वैसे तो वेट्रेस का काम करती हूँ, बट आई एम अ पोएट, अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कविता लिखती है ना? इतनी एज डिफरेंस के बाद भी दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। चलो भाई की पसंद तो सुधर गई। तुम्हारे घर वालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच उम्र का काफी गैप है। मेरे मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, मैंने लगभग 8-9 सालों से उनसे बात नहीं की। तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? ऐसा नहीं है, उनके लिए तो मैं एक परेशानी हूँ। इसलिए जब मैं आपकी फैमिली को देखती हूँ तो सो गुड आंटी। एक बात बताऊँ, पहले मुझे कंफ्यूजन था सैम को लेकर, लेकिन ऐसा खाना खाकर लग रहा है कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे। मुझे शक है क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं। मुझे लगता है इस बारे में इससे बात करनी चाहिए। थैंक यू आंटी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत स्वीट हो। आई हैड सच अ लवली टाइम। सो शादी का मुहूर्त निकलवाने की सोच रहे होंगे? गुड, बाय द वे 2 hours 10 minutes हो गए हैं, तो थर्ड आवर का चार्ज लगेगा। क्यों, कैसी लगी सबको? बहुत अच्छी। 2 हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है, 6 महीने तक वापस नहीं आएगी, तो इसका मतलब समझे तुम दो हफ्तों में शादी करने वाले हो।
अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी ये चेस्ट कोट वाली शर्ट ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन माँ तुमसे मिलना चाहती है, पता नहीं क्यों। क्रेडिट कार्ड दो। माँ क्या बात है? आओ तो सही। हाय भैया। हाय। हाय आंटी। हाय। अजी नमस्कार। ये क्यों? तुम्हें शादी में कुछ पारंपरिक पहनना होगा ना, इसीलिए। शादी के लिए ट्रेडिशनल कपड़े? तो तू क्या सूट पहनने वाला है? आइए। स्लीव्स कितनी रखूं मैं, यहाँ तक? नहीं नहीं, थोड़ी सी लंबी रखे, थोड़ी सी लंबी। स्वर्णा वो एक दर्जी है, उसे पता है। अरे मैं बताऊंगी ना, फर्क पड़ता है उससे, थोड़ा ऊपर कीजिए। बहुत बुरी स्मेल, ये कैसी स्मेल है? मैंने कुछ नहीं किया। घर में है क्या? नहीं नहीं, कहीं और से आ रही।